दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा के संदर्भ में आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं। देखिए, सबसे ऊपर कहा जा रहा है डीबी स्किप अभियान सफल। जाहिर सी बात है, आप सभी के द्वारा बिल्कुल जोर शोर से डीबी स्किप अभियान चलाया गया। अगर हम बात करें जो फर्स्ट फेज का डीबी यानी कहा जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आपके लगातार कॉमेंट आ रहे हैं कि भैया फर्स्ट फेज डीबी के बाद जो है कितने अभ्यर्थियों ने डीबी को स्किप कर दिया है। देखिए, यहां आंकड़ा आपके बीच में दिया जा रहा है। टोटल अगर हम बात करें तो 15,400 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इन 15,400 अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीबी को स्किप कर दिए हैं, बिल्कुल इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहां नीचे देख भी पा रहे हैं, लिखा जा रहा है कितनी डीबी स्किप हुई हैं, बिल्कुल इस पर चर्चा होगा। और यहां फाइनल रिजल्ट, रिजल्ट के संदर्भ में आप सभी के कमेंट आते हैं, भैया हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो रिजल्ट के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। आपकी कट ऑफ कितनी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप कट ऑफ जो है नीचे ले जाना चाहते हैं, तो जो आपने डीवी स्किप अभियान चलाया था इसे जो है काफी जोर शोर से इस पर काम करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल जोर शोर से काम नहीं करते हैं तो जो आपकी कट ऑफ लोग कम बता रहे हैं, ठीक है, जो आपकी कट ऑफ लोगों के द्वारा कम बताई जा रही है, वही कट ऑफ आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, 27,000 लगभग अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, 15,400 अभ्यर्थियों का डीवी हो चुका है। जो अभ्यर्थी बचे हैं उनमें से बहुत सारे सेलेक्टेड अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, उनसे भी आप डीवी स्किप अभियान पर चर्चा कर सकते हैं। अभी हालांकि हम कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर आपका कब तक मिल सकता है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले इधर आप देखिए, आपके बीच में हम दिखाना चाहेंगे ये अपडेट्स लगी है, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। 27,455 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और वो भी कहां हो रहा है ये सब कुछ आपको पता है। फाइनली अगर हम बात करें तो 19/9/2023 सेम दो शिफ्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, पहले में 350, दूसरे में 350, यानी प्रत्येक दिन 700 अभ्यर्थियों का डेवी हो रहा है। फाइनली अगर हम आपसे कहें तो यहां देख भी पा रहे हैं आपके बीच में जो है टोटल 21 तारीख तक, सॉरी 19/10/2023 तक जो है यहां चीजें, और इधर आप देखिएगा आपके बीच में और भी आंकड़े दिए जा रहे हैं 20/10/2023 तक फाइनली कितने डीवी स्किप हो चुके हैं। अब अगर इसके हिसाब से जोड़ा जाए, प्रत्येक दिन 700 अभ्यर्थियों के हिसाब से अगर जोड़िए, तो 22 दिनों के अंदर जो है यहां देखिए 15,400 अभ्यर्थियों ने डीवी को कराया है। सवाल उठता है कि आखिरकार 15,400 अभ्यर्थियों ने जो डीवी स्किप कराया है उसमें कितने अभ्यर्थियों की डीवी स्किप हो गई है। देखिए, अगर हाईएस्ट हम एक आंकड़ा मानकर चले, अभी हालांकि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कोई भी अपडेट्स नहीं जारी की गई है, ठीक है, डीवी स्किप के संदर्भ में, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल चैनल पर आप बने रहिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर हम बात करें कितनी डीवी स्किप हुई है, तो मैंने आपको शाम को ही बता दिया है कि लगभग 1200 प्लस अभ्यर्थियों ने, 1200 से 1300 प्लस अभ्यर्थियों ने डीवी को स्किप कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर 1200-1300 अभ्यर्थियों ने डीवी को स्किप किया है तो जाहिर सी बात है ये अभ्यर्थी कट ऑफ में बड़ा परिवर्तन जरूर लाएंगे। यहां अगर हम रिजल्ट के संदर्भ में बात करें तो रिजल्ट को मैंने बताया है, ये मानकर चलिएगा कि दिसंबर के लास्ट तक 100% आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर का अभी कट ऑफ पर हम चर्चा करते हैं। ज्वाइनिंग लेटर के जहां तक संकेत है, ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले हर हाल में यूपी ट्रिपल एससी के तहत 2-3 वैकेंसी हैं जो पूरी तरह से फाइनल होगी। सबसे पहली वरीयता लेखपाल की दी जा रही है, दूसरा जो है वीडियो को दिया जा रहा है, और भी तमाम भर्तियां हैं जो फाइनल होने के कगार पर चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहां तो आपने देख लिया, हम बात करते हैं कट ऑफ पर, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मुझे पता है, ठीक है। हम चलिए कट ऑफ आपको दिखाते हैं। देखिए, कट ऑफ आपके बीच में लगा है, यहाँ देखिए कट ऑफ आपसे कहा जा रहा है। मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ का निर्धारण किया है, लोग
यहाँ जो इस कट ऑफ को मैं 77-78 से 79.5 में आपको बता रहा हूँ, लोग इसे और कम करके बता रहे हैं। मैं आपसे दावा करता हूँ, मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि आप इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। फाइनली जब यूपी ट्रिपल एस सी से आपकी कट ऑफ जारी होगी तब आप इस कट ऑफ से मिलान करिएगा, खुद ब खुद अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं यहाँ से कितनी प्रमाणित चीज़ें दी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, 3271 सीटों पर 78 से 79.5, ओबीसी की 2074 यानी 2074 सीटों पर 77.5 से 78.25, ईडब्ल्यूएस 798 पर 78 से 79.5, फीमेल की 1604 सीटों पर 77 से 78, एससी की 1690 सीटों पर 75 से 76, एसटी की 152 सीटों पर जो है 67.75 से 69, और नीचे यहाँ देखिए 68.5 जबकि सर्विस मैन की है तो 69.5, और फ्रीडम फाइटर की ध्यान दीजिएगा जो इनकी कट ऑफ है वो 72 से 73 रहेगी। हालांकि ये एक संभावित कट ऑफ है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी आयोग अगर कोई भी कट ऑफ का निर्धारण कर रहा है तो इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सभी को एक समान रखने और फीमेल को भी एक समान रखने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इन तीनों कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं मिलेगा। बाकी जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा अंतर आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो बिल्कुल मुझे आप अवगत जरूर कराएंगे। और फाइनली यहाँ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट फेज का डीवी समाप्त हो चुका है, सेकंड फेज की डीवी की हम बात करें तो देखिए 1/11/2023 से स्टार्ट है, जिनका भी होगा आप शेड्यूल के अनुसार अपने यथा समय पर जरूर पहुँचिएगा, ठीक है। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं अच्छे खासे लेखपाल से अच्छे खासे ग्रेड पर तैयार हैं या जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल आप डीवी को स्किप कर सकते हैं, ये मेरा खास तौर पर आपसे निवेदन है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।